बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, खुश होंगी। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चटपटी चिकन टिक्का बिरयानी। तो यहाँ मैंने चिकन में एक बिरयानी का साशा डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। यहाँ मैं थोड़े थोड़े से घर के मसाले ऐड करूँगी और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है। झटपट में बनने वाली है ये चिकन टिक्का बिरयानी। और यहाँ तमाम मसाले थोड़े थोड़े घर के डालने के बाद इसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटर और नींबू का रस भी डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि मैंने बिरयानी का साशा डाला है तो इसलिए मैंने घर के भी थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं। हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, नमक, इस तरह की तमाम मसाले जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ली है, इसको मैंने ब्राउन किया है। और ये जो मसाला लगी हुई चिकन है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की और अच्छी बिरयानी बनती है चिकन टिक्का बिरयानी। जब हम इसमें लगाएंगे कोयले का धुआं तो ये और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, जो ऑरेंज फूड कलर होता है वो। तो यहाँ हम इसमें हल्का सा कोयले का धुआं लगाएंगे, क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी है तो कोयले का धुआं इसमें हमें लाजमी लगाना है, क्योंकि इसमें से अच्छी सी टिक्की की खुशबू आएगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने जो है कोयले का धुआं लगा दिया है। और आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा जो है वो कोरमा तैयार हो गया है बिरयानी के लिए। यहाँ मैंने पानी रखा था, उसको गर्म किया, उसमें मैंने साबुत गर्म मसाला डाला है और तेज़पत्ता डाला है। साथ ही मैंने इसमें पुदीना डाला। चावल को मैंने बॉयल किया 3 कनी, 1 कनी मैंने छोड़ दी है। यहाँ पर हम लगाएंगे तेल। तो मैंने एक पतीले में सबसे पहले चावल डाले हैं, ऊपर से जो है मैं चिकन वाला मसाला डालूंगी। तो यहाँ जो है हमने सारी तह लगा ली है, ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। धनिया, पुदीना और तली हुई प्याज, टमाटर डालकर इसको मैंने दम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। और अभी जो है देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की जो है हमारी बिरयानी वो तैयार हो गई है, क्योंकि इसको जो है वो दम हो चुका है और बहुत ही इसमें से मज़े की टिक्कों की खुशबू आ रही है। तो मैंने यहाँ इसको डिश आउट कर लिया है और साथ में मैंने 2 अदद अंडे बॉईल करके बीच में से कट करके ऊपर गार्निश के लिए मैंने रख दिए हैं। और हमारी मज़ेदार सी चटपटी चिकन टिक्का झटपट बनने वाली बिरयानी रेडी हो गई है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बीफ थोड़ा सा देर से गलता है। और अभी तो हर घर में माशाल्लाह बीफ होगा, तो आप इस रेसिपी को बनाएं बीफ में, मटन में, चिकन में, जिसमें भी आपका दिल करे, और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच किया करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।